नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर यशस्वी गौतम, सीनियर फिजिशियन फ्रॉम कोटा राजस्थान। आज हम लोग बात करेंगे पोस्ट कोविड स्टेट की, अर्थात जो लोग कोविड इन्फेक्शन का शिकार हो चुके उन लोगों के बारे में हम बात करेंगे। पोस्ट कोविड में हमने देखा है कि कोविड इन्फेक्शन से रिकवर होने में यदि किसी व्यक्ति को हॉस्पिटलाइजेशन नहीं भी हुआ तो भी उसको रिकवर होने में लगभग माइल्ड डिजीज में भी 2 से 3 हफ्ते का समय लग जाता है। यदि कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होता है, यदि कोई उसको जटिलताएं या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो उसके रिकवर होने का समय और भी लंबा हो सकता है। जो व्यक्ति पूर्णतया कोविड से मुक्त हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, रिकवर कर लेते हैं, उनके रेस्पिरेटरी फंक्शंस रिकवर कर जाते हैं, फिजिकली ऑल्सो दे फील हेल्दी एंड कंफर्टेबल, बट देर इज अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल जो कुछ परेशानियां उसके बाद भी महसूस करते हैं। क्योंकि कोविड 19 सबसे अधिक हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, दूसरे ऑर्गन्स भी अफेक्ट होते हैं। जिन लोगों में कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन में भी जाते हैं, परंतु हमने देखा है सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो लंग्स के फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। जिन लोगों को लंग्स के फंक्शन अफेक्ट होते हैं डेफिनेटली उनको अपने लंग फंक्शंस की मॉनिटरिंग थ्रू मेजरमेंट ऑफ ऑक्सीजन सेचुरेशन, थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस बाय स्पायरोमीट्री एंड कंसल्टेशन विद देयर डॉक्टर्स, वो एक स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हैं कि हमें किस तरह से अपने आप को रिहैबिलिटेट करना है। कुछ और प्रॉब्लम्स जो कि पोस्ट कोविड से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि जिन लोगों को न्यू ऑनसेट डायबिटीज हो जाती है या जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनकी डायबिटीज कोविड के दौरान वर्सन हो जाती है, दे लूज कंट्रोल ऑफ देयर ब्लड शुगर। वन ऑफ द प्रॉब्लम इज परसिस्टेंस ऑफ हाई ब्लड शुगर दैट कैन रिजल्ट इन डायबिटीज मेलाइटिस इन फ्यूचर। कुछ और इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, जैसे एक रोग का भय, उससे जुड़ी उत्सुकता जिसे हम एंग्जाइटी बोलते हैं वो बनी रहती है। कई लोगों में अवसाद डिप्रेशन की फीलिंग होती है, कई लोगों को नींद नहीं आती है, ये सब इश्यूज हम पोस्ट कोविड स्टेट में देखते हैं। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि पोस्ट कोविड स्टेट में हमें हमारे चिकित्सक के साथ लगातार संपर्क में रहना आवश्यक है और जो भी वो मेडिकेशन या जो भी उनकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो हमें फॉलो करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कुछ पोस्ट कोविड लाइफस्टाइल से जुड़े हुए विषय पर। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिविटीज़ की। हम ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है जिनको कि समय के साथ धीरे धीरे चालू कर सकते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है आप अपनी खुद की फिजिकल कैपेसिटी के अनुसार ही शारीरिक श्रम करें। यहाँ पर सबसे जो इजी एक्सरसाइज है या सबसे जो आसान काम है वो वॉक करना है। आप सिंपली वॉक करेंगे दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। दूसरी एक्सरसाइज जो हम कर सकते हैं वो प्राणायाम, कंट्रोल ब्रीदिंग, वो आपकी लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइट की, क्योंकि अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि भाई अब कोविड से ठीक हो गए तो डाइट में हमें क्या रेस्ट्रिक्शंस। जो लोग डायबिटिक हो जाते हैं वहाँ डेफिनेटली उनको डायबिटीज से रिलेटेड जो भी परहेज करने चाहिए, अदरवाइज एज सच कोई डाइट में रेस्ट्रिक्शन की आवश्यकता कोविड के बाद नहीं होती है। अब वर्क रिहेबिलिटेशन की हम बात करें, जो भी लोग जॉब में होते हैं, बिजनेस में होते हैं, उनको एक मन में रहता है हमें वापस से कब काम चालू करना है या कब हम हमारे ऑफिस जा सकते हैं। यहाँ हम ये देखते हैं कि सामान्यतया जो व्यक्ति बहुत माइल्डली सिम्टोमेटिक होता है उसको भी ठीक होने में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। डेफिनेटली 3 हफ्ते तो हम मान के चलेंगे हमें
उसके बाद ही हम अपने वापस से काम पर जा पाएंगे। जिन लोगों को कॉम्प्लिकेशन होता है या हॉस्पिटलाइजेशन होता है, उन लोगों की फिजिकल स्ट्रेंथ वापस आने में और भी अधिक समय लग सकता है। डेफिनेटली वो डिसीजन आप अपने चिकित्सक के साथ परामर्श करके ही लें कि व्हेन यू कैन बी फिट टू ज्वाइन योर ड्यूटीज और वर्क। नाउ समथिंग अबाउट, एक जो मन में डर रहता है हमेशा कि मुझे एक बार कोविड हो गया कहीं वापस कोविड ना हो जाए, एक बहुत सामान्य सी बात है। थ्योरेटिकली डेफिनेटली चूंकि वायरस अपना रूप बदलता है म्यूटेशन के माध्यम से, नए नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं, उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन, थर्ड वेव ऑफ इन्फेक्शन, एनी वन फर्दर वेव्स ऑफ इन्फेक्शन की भी संभावना बनी हुई है। पर यहाँ एक चीज़ बहुत क्लियर है कि जो वायरस का इन्फेक्शन है आपको, इट डज प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट इन्फेक्शन, एंड एटलीस्ट आप रीइन्फेक्ट भी होंगे तो आप में कॉम्प्लिकेशन के चांसेस या उससे जुड़ी हुई जितनी भी जटिलताएं हैं उनकी संभावना कम होगी। हॉस्पिटलाइजेशन की रेट डेफिनेटली रीइन्फेक्शन में कम देखी गई है, कॉम्प्लिकेशन कम देखे गए हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है वैक्सीनेशन का, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें इस महामारी से आने वाले समय में सुरक्षित करेगा, बचाएगा, उसके स्प्रेड को होने से रोकेगा। जो लोग पोस्ट कोविड स्टेट में हैं, इन्फेक्ट हो चुके हैं, उन्हें 3 महीने के समय के बाद में वैक्सीनेशन वो ले सकते हैं। बिफोर वाइंडिंग अप, मैं विटामिन डी के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा, क्योंकि इस कोविड की महामारी के दौरान विटामिन सप्लीमेंटेशंस पे काफ़ी जोर रहा है। जिंक है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, इन सब मेडिसिंस का काफ़ी यूज़ हुआ है। जहाँ तक विटामिन डी के का प्रश्न है, ये कहना तो मुश्किल है कि उसकी डेफिशिएंसी से आपको इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा हैं, या अगर आप सफिशिएंट विटामिन डी बॉडी में है तो आप इन्फेक्ट नहीं होंगे। बट ये स्टडीज़ में पाया गया है कि जिन लोगों के विटामिन डी लेवल्स ठीक थे, नॉर्मल थे, उनमें कॉम्प्लिकेशंस कम हुए एंड दे रिकवर्ड अर्लियर देन अदर पीपल हु वर डेफिशिएंट इन विटामिन डी। स्टडीज़ आर स्टिल ऑन गोइंग और इसके बारे में डेफिनेट राय या निष्कर्ष हो सकता है हमें इसका उत्तर आने वाले कुछ समय के बाद मिल जाए। थैंक यू।